इफ यू बॉर्न ऑन 30th ऑफ एनी ऑफ द मंथ्स देन यू आर बेसिकली रूल्ड बाय नंबर थ्री. नंबर थ्री जुपिटर का नंबर है और जो गुण हमने नंबर थ्री वाले लोगों में देखे थे ना, वो 30 वाले लोगों के अंदर 10 गुना ज्यादा मात्रा में नजर आएंगे. एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, किसी भी शख्स से किसी भी सिचुएशन में आप इनसे जो है वो बात करवा लीजिए. रूठे को मनाना जानते हैं, जिसका गुस्सा हो उसको शांत करा सकते हैं. दो लोगों के बीच झगड़ा हो गया तो ये बहुत अच्छा मीडिएशन भी कर सकते हैं. उसके साथ साथ किसी का मूड ऑफ हो तो उनके चेहरे पर मुस्कान लाना भी जानते हैं. इनकी जो कम्युनिकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ वर्बल नहीं होती, जेस्चर्स से, एक्सप्रेशन से, फेशियल एक्सप्रेशन से भी ये कम्युनिकेट कर सकते हैं. ये ना तो चुप रहना जानते हैं ना सामने वालों को चुप होने देना चाहते हैं. इसीलिए कुछ ना कुछ इनके साथ कॉन्वर्सेशन लगी रहनी चाहिए, वरना जब ये चुप हो जाते हैं ना तो इनके आसपास वाले परेशान हो जाते हैं कि आज एक्चुअली हो क्या गया, ये इतने चुप क्यों हैं. इनकी चुप्पी किसी उदासी से कम नहीं. नंबर 30 वाले लोग जो हैं वो उनका नेटवर्किंग सर्कल जो है वो काफी बड़ा होता है. जहां भी बैठते हैं तकरीबन वहां से कांटेक्ट बनाकर ही उठते हैं. बट अल्टीमेटली अगर इनके दोस्तों की बात कही जाए तो बहुत बड़ा सर्कल होगा, लेकिन अगर स्पेशल लोग इनकी जिंदगी में गिने जाए तो चुनिंदा लोग होंगे, कुछ ही लोग होंगे जिनके जो इनके स्पीड डायल्स पर होंगे. कोई भी शख्स इनसे दिल की बात कर सकता है. ये अपने दिल की बात करने के लिए इन्हें सच में लोगों को तलाशना करता पड़ता है, क्योंकि ये जो बात कहेंगे वो काफी दूर तक जा सकती है. किसी नंबर 30, इफ यू नो समवन हु इज बॉर्न ऑन 30th ऑफ एनी ऑफ द मंथ्स, डोंट फॉरगेट टू टैग देम हियर.